नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल शाह है। मैं पायल्स हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ, लेजर प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ एवं फिस्टुला स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे फिस्टुला में ड्रेसिंग कैसे करी जाए, कितनी बार करी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी फिस्टुला सर्जरी के अंदर होती है उसकी ड्रेसिंग। अगर ड्रेसिंग अच्छी होती है तो फिस्टुला प्रॉपरली हीलअप हो जाता है, टाइमली हीलअप हो जाता है, रिकरेंस के चांसेस नहीं होते हैं। और यही ड्रेसिंग अगर गंदी होती है तो उसमें रिकरेंस के चांस भी बढ़ जाते हैं, हीलिंग भी टाइम इंक्रीज हो जाता है और परेशानी भी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एरिया आपका क्लीन रहना चाहिए। इसके क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल वॉश ले सकते हैं, जैसे आप पानी जो रहता है नॉर्मल वाटर, ऐसा कुछ नहीं है जो मिथ्या रहती है लोगों के दिमाग में कि पानी लगाने से घाव पक जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ पर मल लगता है तो वो घाव पकता है और वो गंदगी इकट्ठी होती है और वो घाव को तैयार नहीं होने देती है। और अगर अपन पानी से वॉश कर लेते हैं, मल को हटा लेते हैं उस एरिया से, तो वो घाव जल्दी तैयार होता है। तो बेस्ट ड्रेसिंग होती है वाटर ड्रेसिंग्स। तो कभी भी आप में मोशन करने गए हैं, आपको लगता है कि कुछ मल वहाँ लग गया है, कुछ गंदगी लग गई है, तो पानी से वॉश कर लीजिए उसको। चाहे आप ओपन छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ओपन छोड़ दिया तो कुछ दिक्कत आएगी। ऐसा बहुत बार होता है कि पेशेंट ने ड्रेसिंग करा ली मॉर्निंग में और उनको स्टूल आ गया दिन में या शाम को और कोई ड्रेसिंग के लिए जना नहीं मिल पा रहा है। तो आर एडवाइस इज ऑलवेज लाइक कि आप उसको पानी से वॉश कर लीजिए एरिया को, कि सारा मल हट जाए। उस पर आप केवल ड्राई पैड रख सकते हैं कि कुछ गंदगी हो तो उस पैड पे आ जाए, आपके कपड़े ख़राब नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि रूटीन में अगर आपको ड्रेसिंग करनी है, आपको लगता है कुछ गंदगी है या कुछ, हम ड्रेसिंग एडवाइस करते हैं किसी को, तो ड्रेसिंग कैसे करी जाए। सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, नॉर्मल साइन की बॉटल आती है, 500 ml की बॉटल है, आप 100 ml की बॉटल काम में ले सकते हैं। इस बॉटल में हम यूजुअली एक छेद करते हैं छोटा सा आगे की तरफ, तो एक ऐसी पिचकारी सी आती है, जैसे आप देख रहे हैं पिचकारी, ऐसा पिचकारी सा आता है। तो इस पिचकारी से क्या होता है, जैसे पानी आता है तो आप उसको आपके नासूर पे फिस्टुला पे डालिए, और उस पर डालने से क्या होता है कि जो गंदगी होती है प्रेशर से, जब भी पानी आता है तो गंदगी सारी साफ़ हो जाती है। इसके बाद हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कुछ गंदगी दिख रही है, उसमें कुछ पीलापन सा दिख रहा है, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम से एक बॉटल आती है छोटी सी, इसको आप गौच पर लगा सकते हैं, और गौच पर लगाने के बाद में उस गौच से आप सफाई कर सकते हैं, तो जो पीलापन अगर है तो पीलापन उस गौच से हट जाएगा। उसके बाद जब आप हाइड्रोजन लगा लेते हैं, इसका प्रिंसिपल होता है कि इसको आप थोड़ी सी देर रोक के रखिए, जैसे 30 सेकंड 40 सेकंड आपने रोक के रखा है, उसके बाद आप उसको वापस नॉर्मल सलाइन की बॉटल आती है सिंपल एनएस, इससे आप वॉश करिए उसको। और उसके बाद हम एडवाइस करते हैं या तो आप नॉर्मल सलाइन में डिप करके गौज वहाँ रख लीजिए, या फिर वी एडवाइस आप यूजुअल काम में लीजिए। ये एक मेडिकेटेड सॉल्यूशन है जिसे कहते हैं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन। ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है जिसमें हम गौज डिप करके आपको देते हैं। इस गौज को आप अपने घाव पे रख लीजिए, उसमें मेडिकेटेड चीज़ रहती है तो उसमें गंदगी नहीं आती है, और क्योंकि पैड लग जाता है तो उसमें मल आता नहीं है, और घाव जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाता है। इन चीज़ों का ये आप परहेज करेंगे तो ये बीमारी होने से आगे बढ़ने से बचती है। कभी कभी हम एक और चीज़ एडवाइस करते हैं, जैसे ये मेट्रोजेल भी आती है, हम कभी कभी एडवाइस करते हैं कि मेडिकेटेड जो मेट्रोजेल है इसमें भी हम एक छोटा सा छेद करते हैं और इसको भी आप काम में ले सकते हैं। और ये आर्टरी फोर्सेप है जिसे आप गौच पीस अंदर रखते हैं। कभी कभी आपको फिस्टुला में अगर जलन हो रही है या पेन हो रहा है ड्रेसिंग में, तो ये लॉक्स का स्प्रे आता है, इसे भी हम यूज़ में लेते हैं। इसे हम टॉपिकली स्प्रे कर देते हैं तो एरिया थोड़ा सा लोकली एनेस्थेटाइज हो जाता है, और उसके बाद हम सारी ये ड्रेसिंग जो मैंने आपको बताई ऐसा कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कुछ सवाल अभी भी आपके दिमाग में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उन सभी का जवाब दे पाए। थैंक यू। सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल।